पढ़ना। और फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये कि अगर वृत्ताकार धारावाही के कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये हम लोग प्रूफ कर लिए थे। केस टू में हम लोग पढ़ रहे थे कि सीधे धारावाही तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। प्यारे छात्रों, उसके लिए दो सिचुएशन था। सिचुएशन नंबर ये कि अगर तार की लंबाई अनंत रहेगा तो कितना होगा। आज हम लोग आते हैं कि अगर तार की लंबाई परिमित रहेगा, यानी कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो केस टू का ही है। तो आपके सामने तो केस टू का सिचुएशन नंबर वन लिखा हुआ होगा। हम सिचुएशन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। जब तार की लंबाई परिमित हो, परिमित का मतलब फिक्स हो। जब तार की लंबाई अगर फिक्स होगी तो सबसे पहले आपको क्या क्या बात ध्यान रखना होगा वो समझिए। जब तार की लंबाई, तो सबसे पहले आप सीधे धारावाही जो तार के लिए जो सूत्र आया था, फार्मूला आया था, वो क्या आया था? तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी आई साइन अल्फा आई डीएल साइन अल्फा। सपोज दैट, जरा देख लेते हैं कि पिछले दिन हम लोग को क्या प्रूफ कर मिला था। हाँ, तो म्यू नोट बाई 4 पाई और यहां मिला था साइन अल्फा बाई आर, ये आर, तो ये मिला हुआ था सीधे धारावाही तार के कारण, ये मिला था। और याद रहे, अगर अनंत लंबाई के लिए प्रूफ करना होता है तो अल्फा के जगह पे -π/2 से +π/2 रखते हैं। लेकिन आज हम लोग तार की लंबाई जब परिमित रहेगा यानी फिक्स रहेगा, तब हम लोग उसका वैल्यू कैसे कैसे मान निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का वैल्यू। चूंकि परिमित लंबाई है तो परिमित के लिए जो अल्फा का मान के लिए माना कि अल्फा का जो मान है वो कहां से कहां तक, तो अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। यानी कि मान लिया कि एक पोजीशन है जिसका वैल्यू अल्फा 1 है और जिसका वैल्यू अल्फा 2 है। यानी कि हम यहां पे जैसे कि अनंत लंबाई के लिए याद रखिए -π/2 से π/2 मानते हैं, वैसे ही इसमें कहां से कहां तक मानते हैं, अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। अब अल्फा 1 से अल्फा 2 तक का मतलब क्या है? अच्छा, एक मिनट, जरा हम लोग, जब भी यहाँ पे एक वायर होता है और इसका वैल्यू यहाँ पे सेंटर माने हो तो नीचे होता है माइनस, तो यहाँ -α1 लगा दीजिए, -α1 से α2। माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम लोग जो तार रखे थे यहाँ पे ओ था और नीचे का वैल्यू और ऊपर का वैल्यू फिक्स होता है, तो नीचे का वैल्यू माइनस में जाता है और ऊपर का वैल्यू प्लस में होता है। अच पढ़े ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। तो -α1 से α2 तक के चलेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू -α1 से α2 तक रखेंगे तो इसलिए बी बराबर अब क्या लिख सकते हैं, तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा कहां से कहां तक, तो -α1 से α2 तक। अब हम लोग को करना क्या है, तो बारी बारी से एक बार अल्फा के जगह पे α2 और एक बार अल्फा के जगह पे -α1। तो चलिए आगे का सिचुएशन हम लोग कैसे देखते हैं। आप एक के नीचे एक प्रूफ कीजिएगा, लिखिएगा, तो यहां हो जाएगा म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर और यहां क्या बनेगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, अल्फा के जगह पे रखेंगे α2, तो साइन α2 और उसके बाद घटाया जाता है लोअर लिमिट को, तो -sin और नीचे वाला को तो -sin α1। यानी कि यहां पे जो हम लोग का रूल नियम बोलता है कि सबसे पहले ऊपर वाला चीज को रखिए, तो ऊपर वाले चीज को रखिए, फिर घटाया जाता है, ये हमेशा घटाव का चिन्ह रूल के अकॉर्डिंग लग रहा है, फिर साइन लिखेंगे और लोअर लिमिट -α1 है तो -α1 और उसके बाद का जो काम करेंगे वो म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर साइन α2। और आपको पता है ना कि साइन -θ जब होता है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं,
तो जब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन अल्फा वन। तो कुल मिलाकर ये हमें बी का वैल्यू आया। तो याद रहे ये उस टाइम का फॉर्मूला है जब तार की लंबाई परिमित रहे। तो चलिए अब हम लोग केस थ्री पढ़ते हैं, केस थ्री, और ये लास्ट प्रूफ है। तो केस थ्री का जो नाम है वो लिखेंगे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये केस थ्री है जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो चलिए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या वाले, आर कैपिटल आर लिखेंगे, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार धारावाही कुंडली में, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, कौमा कुंडली के अक्ष पर एक बिंदु P है, कुंडली के अक्ष पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सेकेंड एरो देंगे, सेकेंड एरो उसके नीचे, सेकेंड एरो में लिखेंगे माना कि केंद्र से अक्ष के एक बिंदु P की दूरी, अक्ष के एक बिंदु P की दूरी x है तथा x है छोटा x है तथा P पर कुंडली द्वारा बनाया गया कोण, P पर कुंडली द्वारा बनाया गया कोण फाई है, फाई ऐसे लिखेंगे फाई। तो ये चीज, जो चीज अभी हम लोग लिखे हैं प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग उसको समझते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को फिगर समझना। अगर फिगर समझ में आ गया तो हम लोग को 60% काम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फिगर समझते हैं कि फिगर क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार कुंडली है, अच्छा से नहीं बना, फिर से रिट्राई। एक वृत्ताकार कुंडली है प्यारे छात्रों, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और इस वृत्ताकार कुंडली का जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है। और याद रहे हम लोग पिछले वीडियोस में, पिछले क्लास में भी बताए थे कि अक्ष क्या होता है। तो किसी भी वृत्ताकार कुंडली का जो अक्ष होता है उसके केंद्र से गुजरा हुआ एक लाइन होता है, एक रेखा होता है, मतलब कि यहां से एक रेखा है और ये आगे अगर गुजरता है तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, वृत्त का अक्ष कहलाता है, वृत्त का अक्ष। इसीलिए प्यारे छात्रों इसको हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार कुंडली का अक्ष। और इसी अक्ष पे एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और हम माने हैं कि केंद्र से लेकर P बिंदु तक की दूरी, P बिंदु कहाँ है, उसके अक्ष पे, उसका दूरी जो है x है, और एक इसका चूंकि पूरा वृत्त का टोटल लंबाई l है तो यहां पे हम लोग कट कर रहे हैं dl, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे dl कट कर रहे हैं। और प्यारे छात्रों यहां से जो dl पे से जो p तक का कोण बन रहा है उस कोण कितना बना रहा है, तो यहां पे फाई कोण बना रहा है, यहां पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाई। यानी कि P पर कुंडली द्वारा जो बनाया गया कोण है वो फाई है। और यहां पे मान लेते हैं ये R कैप है जिसका वैल्यू 1 होता है
और इसका दूरी टोटल कितना है तो छोटा है। प्यारे छात्रों यहाँ पे आप ये समझिए कि ये कैपिटल आर जो है वृत्ताकार कुंडली का त्रिज्या है और ये छोटा आर जो है वो डीएल से पी तक की दूरी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो नीचे जब कैपिटल आर है तो ऊपर भी बिल्कुल कैपिटल आर होगा। तो इस तरीके से ये फिगर हुआ। लेकिन इसके अलावा भी फिगर में हम लोग को ध्यान रखने का जरूरत है। अब वो कौन कौन सा बात है जिसको हम लोग को केयर करना होगा। अगर हम मान लेते हैं कि पी बिंदु पर एक लंबवत खींचे, एक लंब डाले पी पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि पी पॉइंट नाम इसका पी है, तो इस पी पॉइंट पे हम लोग लंब डाले जिसका हम नाम दे देते हैं डी बी परपेंडिकुलर। इसका नाम है डी बी परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये चूंकि लाइन पे ही लाइन हम लोग खींच रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डी बी समांतर। यानी कि ये जो डी बी है चुंबकीय क्षेत्र है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, लेकिन ये जो डी बी है चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल पैरेलल है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसको जब आगे बढ़ाया जाए, इट मीन्स इसको, तो ये वाला जब फाई है तो संगत कोण से ये वाला एंगल भी फाई होगा और ये वाला एंगल भी फाई होगा और इसका नाम जो होगा वो डीबी होगा। इसका नाम होगा डीबी। अब प्यारे छात्रों इसका नाम डीबी है, इसका नाम डीबी है और ये एंगल क्या है फाई। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि अगर कोई भी अगर 90 डिग्री रहेगा, जैसे मान लिया जाए ये 90 डिग्री है और इसके बीच में कोई आर नाम का कोई वेक्टर है जो थीटा एंगल पे है, तो जिधर थीटा रहता है प्यारे छात्रों उसको हम लोग लिखते हैं आर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहता है उसको आर साइन थीटा लिखते हैं। यहां पे देखिए फाई है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डी बी कॉस फाई। लिख सकते हैं कॉस फाई। क्यों कॉस फाई? क्योंकि यहां फाई जो है इसके साथ सटा हुआ है, इसके साथ कोई एंगल नहीं है, तो यहां लिखेंगे डी बी साइन फाई। जो एंगल रहेगा वो एंगल। जरा नीचे वाला बात कर लेते हैं, तो नीचे वाला एक 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री नीचे वाला में देखेंगे तो ये वाला जो फाई है इसके साथ सटा हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा डी बी कॉस फाई और इधर हो गया डी बी साइन फाई। तो इस तरीके का हम लोग का फिगर है और इसी फिगर से चलते चल के हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले हैं। जरा आपको याद दिला दे कि हम लोग बियो सावर्त के नियम से, हम लोग सूत्र से चलेंगे तो बियो सावर्त के नियम से क्या फार्मूला था, तो डीबी बराबर म्यू नोट आई बाय 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर। ये फार्मूला था म्यू नोट आई बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि यहां पे प्यारे छात्रों हम ये लिख सकते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर कैप का वैल्यू 1, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डीएल बटा आर स्क्वायर, तो ये हमें डीबी का वैल्यू मिला है। हालांकि प्यारे छात्रों हमको तो पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है ना इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले उतना एरो लिखने के बाद फिगर बना लेंगे, फिगर के नीचे यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो चूंकि डीबी का वैल्यू यहाँ पे ये आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू। तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होगा वो हम लोग निकालते हैं डीबी से, जैसा कि हम लोग पहले वाले प्रूफ में भी कहे हैं। तो बी से बी का वैल्यू कब होगा, जब डीबी का इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो इसलिए बी बराबर इंटीग्रेशन डीबी। अब इंटीग्रेशन डीबी के जगह पे एक और चीज हम जोड़ते हैं, पैरेलल समांतर। अब समांतर का मतलब क्या है, आपका ये सवाल हो सकता है प्यारे छात्रों कि सर डीबी परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिए, आप डीबी पैरेलल ही क्यों लिए। तो पैरेलल लेने का भी मेरे पास कारण है। क्यों? क्योंकि अक्ष जब भी होगा तो बिल्कुल सामने की तरफ होगा, यानी कि जब मान लिया कि कोई कुंडली इस तरह का लिए हुए हैं तो उसके अक्ष बीचों बीच गुजरेगा, तो अक्ष के लंबवत
तो DB परपेंडिकुलर ना होगा यानी पैरेलल होगा, यानी कि इसके अक्ष के सामने जो रेखा गुजरेगा वो DB पैरेलल से होकर गुजरेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं DB पैरेलल। अब DB पैरेलल का मतलब क्या प्यारे छात्रों, तो DB पैरेलल के जगह पे हम DB साइन फाई रख सकते हैं, कंपोनेंट तोड़ने के बाद ये हमें मिला हुआ है DB साइन फाई, तो यहां लिख देंगे DB साइन फाई। अब प्यारे छात्रों ये सब का वैल्यू किसका निकल रहा है, b का मान निकल रहा है, तो प्यारे छात्रों आप यहां पे db का जगह पे ये वाला वैल्यू रख सकते हैं म्यू नॉट i by 4 pi into idl बटा r स्क्वायर into sin phi, यानी कि इस db के जगह पे हम लोग इसका मान पूरा का पूरा रख दिए। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई, फोर पाई आई, आर स्क्वायर, साइन फाई, ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो सबको बाहर निकालेंगे सिर्फ डीएल को छोड़कर, यानी कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है। ध्यान से, अभी हम लोग जो फिगर है उसको मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि ये फिगर का भी यूज है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे तो बी इज इक्वल टू, क्योंकि बी का ही मान निकल रहा है तो सब यहाँ पे आगे निकालेंगे, म्यू नोट आई सर डबल लिखा गया था, म्यू नोट आई बाई फोर पाई आर स्क्वायर साइन फाइव कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, म्यू नोट आई साइन फाइव बटा फोर पाई आर स्क्वायर, तो अंदर में क्या बच जाएगा प्यारे छात्रों डीएल, तो अब इस डीएल को हम लिख सकते हैं म्यू नोट आई साइन फाइव बटा फोर पाई आर स्क्वायर, डीएल का होता है इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े कि डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो इसका डीएल है तो यहां पे हो जाएगा एल। एल का मतलब प्यारे छात्रों क्या होगा, तो एल का मतलब इसका परिधि, वृत्ताकार जो कुंडली है उसका पूरा का, क्योंकि छोटा सा भाग ना हम डीएल लिए हुए हैं, तो छोटा सा भाग डीएल है तो पूरा भाग क्या होगा एल, और पूरा भाग एल का मतलब परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, कौन सा आर, चूंकि त्रिज्या कैपिटल आर है तो त्रिज्या हम लोग 2 पाई आर ले लेंगे, तो जैसे ही यहां पे 2 पाई आर रखेंगे तो अब हमें बी का वैल्यू क्या मिलेगा, अब जरा बी का वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगा, बी इज इक्वल टू यहां पे 2 पाई आर रखेंगे तो म्यू नॉट आई साइन फाइव बटा 4 पाई आर स्क्वायर, इस एल के जगह पे 2 पाई आर, तो 2 पाई कैपिटल आर, तो पाई से पाई कटा, 2 से 2 हटा कटा, तो इसलिए अभी हम लोग बी का वैल्यू कितना आ रहा है, तो म्यू नॉट आई साइन फाई आर बटा 2 आर स्क्वायर। अब यहां तक आने के बाद इसको मानना होता है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः फिगर से चलेंगे, अब यही इसीलिए हम फिगर को मिटाए नहीं थे प्यारे छात्रों, क्योंकि फिगर का इस्तेमाल हम लोग को फिर से करना है, तो अब लिखेंगे चित्र से, चित्र से अगर हम लोग चलेंगे तो यहां पे दो ऐसा चीज है, एक साइन फाई है, अब साइन फाई और छोटा आर का वैल्यू यहां से चित्र से निकालना है, तो ये देख पा रहे होंगे ये है साइन फाई, फाई है तो यहां से साइन थीटा निकालेंगे, साइन फाई लगाएंगे, साइन फाई तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने पी है और पी का मान कैपिटल आर, और कर्ण क्या है आर, यानी कि साइन फाई के जगह पे जो हम लोग रखेंगे वो कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, तथा हम लोग जानते हैं कि इस चित्र में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार x है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो r का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इस r का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां से दो ऐसा चीज मिला, कौन कौन सा, एक साइन फाइव और एक छोटा r, तो हम लोग क्या करेंगे साइन फाई का वैल्यू और आर का वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा, तो
तो प्यारे छात्रों ये हम लोग चित्र से जो हम लोग काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग फिगर को साफ करते हैं ताकि जगह बन जाए और फिर आगे का काम कर सके। तो अब लिखेंगे उसके नीचे एरो देकर इसके नीचे शानफाई तथा आर का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में साइन फाई का मान रखना है और आर का मान रखना है। चलिए तो पुनः इस्तेमाल करते हैं समीकरण नंबर एक। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आर, साइन फाई का वैल्यू प्यारे छात्रों कैपिटल आर बटा स्मॉल आर और फिर इनटू में आर बटा टू इनटू छोटा आर स्क्वायर। तो छोटा आर की जगह पे तो ये रखना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर टू। हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर से रूट हट जाता है और ये ऊपर का आर ऊपर से गुना होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे वाला आर नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटा टू, ये आर नीचे आ जाएगा इंटू ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप देख पा रहे होंगे फिर से आर बच रहा है तो फिर से हम आर का वैल्यू इतना पुट कर सकते हैं। तो चूंकि एक और छोटा आर मिल गया तो हम लोग फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू, इस आर के जगह पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहां है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में। और हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर होता है तो वो उसको रूट को हटाते हैं तो पावर कितना चला जाता है वन बाय टू। तो आगे लिखेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर एक बटा दू, यानी कि ये चीज रूट में था तो इसको रूट हटाने के लिए वन बाय टू कर दिए इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कुछ नहीं है तो वन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं यहां कुछ नहीं है तो वन दे सकते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आधार दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर प्यारे छात्रों जो बी का फार्मूला बना वो म्यू नोट आई आर स्क्वायर बट्टा टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। तो यही वो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे छात्रों ये वही फार्मूला है जो ये बता रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग को प्रूफ आया तो इतना सारा आप काम करना पड़ेगा तब आपको यह फार्मूला आएगा। जरा सबके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा चीज क्या क्या है। म्यू नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻¹⁷ हेनरी पर मीटर। आई मतलब विद्युत धारा, ये बड़ा आर का मतलब समझना है कि बड़ा आर क्या है। तो हम लोग फिगर में बना है ना, ये कुंडली का क्या है, कुंडली का त्रिज्या बड़ा आर है, ये कैपिटल आर है कुंडली का त्रिज्या। और एक्स क्या है तो इस एक्स के बारे में हम लोग सीखे कि केंद्र से लेकर पी तक की दूरी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है वहां एक्स दूरी है, यानी एक्स का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए दूरी और इस आर का मतलब त्रिज्या। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है। तो प्यारे छात्रों एक और इसमें सिचुएशन बनता है कि अगर वृत्ताकार धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अगर कुछ रहेगी तब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे। तो उसके नीचे एक और बात लिख सकते हैं, यदि फेरों की संख्या n हो तो b का वैल्यू n से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला में तो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टा टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। ये फार्मूला किसके लिए है तो ये फार्मूला जो है
फेरों की संख्या के लिए है। अगर दो फेरों की संख्या रहेगा, दो बार लपेटा रहेगा, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रूफ करने वाले काम किए प्यारे छात्रों, वो तीनों कर चुके हैं। पहला सिचुएशन था कि केंद्र पर निकालने के लिए, दूसरा था सीधे धारावाही तार के लिए जिसमें दो केस था, एक अनंत के लिए एक परिमित के लिए, और एक था ये जिसको अक्ष पर अगर कोई बिंदु रहेगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया है। तो आज तक के क्लास के फिजिक्स को यहीं तक एंड करते हैं। अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, यही तीनों जो केस हम लोग प्रूफ किए हैं इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए आज तक के वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। धन्यवाद।